स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 रहे इंदौर शहर को 7वीं बार भी नंबर 1 बनाने को लेकर नगर निगम का प्रयास जारी है। इस क्रम में गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सराफा बाजार का दौरा किया और जल्द ही स्मार्ट टॉयलेट बनाने की भी बात कही है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारियों के साथ गुरुवार को सराफा बाजार पहुंचे, जहां व्यापारियों की समस्याएं सुनी। महापौर ने इस दौरान कहा कि इंदौर का और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया में इंदौर को सराफा बाजार के नाम से जाना जाता है। ऐसे में सराफा बाजार में आने वाले खरीदार और व्यापारियों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्होंने बाजार का दौरा किया और स्मार्ट टॉयलेट के लिए विभिन्न स्थानों का निरीक्षण भी किया। साथ ही व्यापारियों की अन्य समस्याओं का भी जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। इंदौर का और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया में जो इंदौर जिसके कारण जाना जाता है सराफा, वहाँ पब्लिक एमिनिटीज, पब्लिक यूटिलिटीज की दृष्टि से कई सारे कामों की करने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ अच्छे स्मार्ट टॉयलेट्स बन के महिलाओं की सुविधाओं की दृष्टि से, पब्लिक टॉयलेट्स की दृष्टि से काम हो सकता है, उसका हम दौरा करने आए हैं। सराफा के थाने के पास अच्छी जन सुविधाएं मिले, इस दृष्टि से इस स्पॉट को देखा है। कैसे शासन के साथ बातचीत करके अच्छी पब्लिक को सुविधाएँ मिले, इस दृष्टि से जल्दी से हम काम करके यहाँ जन सुविधाएं शुरू करेंगे। वहीं सराफा एसोसिएशन के प्रचार मंत्री अजय लाहौटी ने कहा कि पब्लिक टॉयलेट की सराफा मुख्य बाजार में बहुत आवश्यकता है, जिसको लेकर मेयर के सामने व्यापारियों ने अपनी समस्या बताई। बारिश का मौसम आते ही सराफा बाजार की सड़कों में जल निकासी नहीं हो पाती, जल जमाव होने से व्यापार भी काफी प्रभावित होता है। महापौर जी का जो आज का दौरा था, वो आज हमारी मुख्य समस्या थी सार्वजनिक शौचालय की थी। वो काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हुए थे और जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ में थे, महापौर जी हैं, पूर्व महापौर जी हैं, पार्षद जी हैं, सभी हमारे साथ में थे और लगातार हम लोगों की जारी थी। समस्या ये थी कि मुख्य बाजार होने के कारण पहले जो पुराना सराफा थाना था उसके बाजू में जो थे लगे हुए करीब 10-12 शौचालय बने हुए थे, वो टूटने के कारण उतना जो लोड हैगा वो चारों तरफ बढ़ गया और कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तो लगातार हम लोग प्रयास में थे कि कम से कम वो व्यवस्था सुचारू हो जाए, इसके लिए महापौर जी को बुलाया था। अब वो थोड़ा सा जगह का विवाद है, प्रशासन कहता है कि हमारी जो जगह यहाँ पर रहेगी, और हम कह रहे हैं कि ये सार्वजनिक जगह थी, करीब 5-6 फीट की गली पहले थी वहाँ पर, जो बोरा बखल जाती थी रास्ता वहाँ पर थी। तो आज जो पूरी पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह आया था, तो इन लोगों ने उसको सर्च करके और बना के रिपोर्ट भोपाल भेज दी है। भोपाल से महापौर जी ने बोला कि भोपाल से जो है होके आ जाएगी, और समस्या बड़ी नहीं है, समस्या 1-2 फीट की जगह हैगी कि 1-2 फीट जगह हो जाएगी तो समस्या हल हो जाएगी। कुछ समस्या हमारी जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी के अंदर जो रोड बना था बड़े सराफे के अंदर, तो यहाँ पर जो पानी वगैरह भर जाता बारिश के अंदर, तो वो भी समस्या हमने बताई है, तो उसको वो ठीक करवाने का आश्वासन उन्होंने दिया है। कुछ छोटा सराफा में ब्लॉक टाइल्स लगे हुए हैं, तो उसकी जगह हमने बोला है तो उसको सीमेंटेड बना दें या फिर डामर की बना दें, ताकि ये समस्या हो जाए, ब्लॉक बार बार निकलते हैं। तो पूरी गंभीरता से जो है महापौर जी ने हमारी बात को सुना है और आश्वासन भी दिया और आदेश भी दे दिए जो अधिकारी थे कि ये कार्य जो है अतिशीघ्र किया जाए। आपका परिचय? अजय लाहौटी, प्रचार मंत्री सराफा एसोसिएशन। इंदौर से नीरज बुरासी की रिपोर्ट।